फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज फिर से हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की, जो कि लगातार डाउनफॉल हो रहा है और आज भी 8.71% डाउन हुआ है और लो 102.25 का इसने बनाया है। तो काफ़ी लोगों ने हाई रेट पर बाय करा है और अभी भी दिक्कत यही आ रही कि स्टॉक का क्या होगा, फिर से क्या ये कवर होने वाला है या कितना टाइम लगेगा और किस लेवल पे अगर अभी बाय करना चाहिए तो बाय कर सके, क्योंकि इसमें जो फ्रॉड बहुत बड़ा है और जो नीरव मोदी है उनके भी मीन्स असेट सीज हो चुके हैं और फॉरेंस में जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो भी सीज करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये एकदम लोअर रेट पे है। आप इस रेट पे या और अगर थोड़ा नीचे आता है 95-90 के करीब, तो उस टाइम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि जो लो बनाता है, जो ज़्यादा गिरता है वो रिकवर तो होता ही है। और ये पंजाब नेशनल बैंक एक बहुत बड़ी बैंक है, इनका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी है और गवर्नमेंट जो इनके लिए रिकैपिटलाइजेशन फंड जो जमा कर रही है, तो इससे भी इसे थोड़ा फ़ायदा होगा। और अगर नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के अगर असेट्स बिकते हैं तो इस बैंक को ऑब्वियसली फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि डेप्स उसी से क्लियर होने वाले हैं। ये देखिए, पीएनबी सेज फ्रॉड कुड बी 1323 करोड मोर देन करंट एस्टिमेट एंड ईडी मूव्स टू सीज असेट्स ऑफ नीरव मोदी इन 6 फॉरेन कंट्रीज, सीबीआई सीक्स डिटेल्स ऑफ नेटो ट्रांजेक्शन फ्रॉम 5 बैंक्स। तो काफ़ी सारा मीन्स अभी भी उलझन बनी हुई है, लेकिन लो पर लेकर लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और ये बैंक तो गवर्नमेंट की है तो बंद तो होने वाली नहीं है, भले थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन फिर से ये ग्रो ज़रूर करेगा। चलिए, आज मुझे इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस बैंक के जो भी लोअर लेवल्स है, अगर और नीचे गिरता है तो आप ज़रूर लीजिएगा, लॉन्ग टर्म में ये आपको प्रॉफिट ही देगा। और जिन्होंने भी हाई रेट पर ले रखे हैं वो फ़िलहाल होल्ड कर सकते हैं और लोअर लेवल्स पे कुछ और ऐड करके मीन्स एवरेज कर सकते हैं, ताकि जो लॉस है वो कम हो जाए। चलिए, थैंक यू।